हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर नर्सिंग क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं अपना जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके तीसरे ऑर्गन की लेयरिंग्स की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं लेयरिंग्स की। लेयरिंग्स जिसका जो दूसरा नाम है, हम इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं लेयरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो लेयरिंग्स क्या होता है? एक होलो मस्कुलर कार्टिलेज होता है। होलो मस्कुलर कार्टिलेज यानी मसल्स का बना होता है। यहाँ पे एक वर्डिंग आई है होलो। होलो का मतलब क्या होता है? होलो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसका एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट हो। यानी कि मान लो मैं इसकी बात करूँ तो यह होलो नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें एंट्री है और ना इसमें एग्जिट है। इसका एंट्री पॉइंट भी होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं होलो। तो जो लेयरिंग्स है ये क्या है? होलो मस्कुलर कार्टिलेज यानी होलो स्ट्रक्चर है जो मसल्स और कार्टिलेज से मिलकर बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोजिशन की, कि इसकी जो पोजीशन है यानी इसकी स्थिति कहाँ पे, कहाँ पे स्थित होता है। तो ये होता है अपने एंटीरियर टू लैरिंगोफेरिंक्स ईसोफेगस और थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। तो जो अपना फेरिंग्स का जो तीसरा पार्ट था लैरिंगोफेरिंक्स, उसके आगे सिचुएटेड रहता है। साथ में जो ईसोफेगस है ग्रास नली, उसके आगे होता है। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, इनके ये आगे सिचुएटेड रहता है। अगर मैं इसके बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट की बात करूँ, यानी लेरिंग्स की शुरुआत और लेरिंग्स जो जिस पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है, तो लेरिंग्स जो शुरुआत होता है वो अपना टंग, रूट ऑफ टंग यानी कि जो जीभ है, जीभ की जो रूट है यानी जो निचला वाला पोर्शन है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। साथ ही जो हायर्ड बोन है, हायर्ड बोन जो एक घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू के स्ट्रक्चर की होती है, जैसा मैंने इसमें रफली डायग्राम में बताया है। तो जो हायर्ड बोन और रूट ऑफ टंग, इसके बेस से इसकी शुरुआत होती है। साथ ही अगर मैं इसके एंडिंग पॉइंट की बात करूँ तो ये जाती है अपने ट्रेकिया तक। ट्रेकिया मतलब श्वास नली तक ये जाती है। तो रूट ऑफ टंग और ट्रेकिया के बीच में इसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके रिलेशंस की। रिलेशंस यानी कि अन्य दूसरे अंगों के साथ, दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ इसका क्या क्या संबंध है। तो अगर मैं बात करूँ इसके रिलेशन में, फर्स्ट वन है अपना सुपीरियर, यानी कि जो लेयरिंग्स है लेयरिंग्स के सुपीरियर पोर्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है। तो अभी हमने देखा था कि बिगिनिंग पॉइंट क्या था, रूट ऑफ टंग और हायर्ड बोन। तो वही इसके सुपीरियर पोर्शन में स्थित होते हैं, हायर्ड बोन और रूट ऑफ टंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फीरियर पोर्शन की, यानी कि जो लेयरिंग्स है उसके इन्फीरियर पोर्शन में नीचे की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कौन सी स्ट्रक्चर के साथ इसका संबंध है। तो वो ये अपना एंडिंग पॉइंट ही इसका क्या कहलाता है, इन्फीरियर पार्ट कहलाता है। तो वो क्या है? अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया के साथ ये संबंध नीचे की तरफ से रखता है। बात करते हैं एंटीरियर साइड में, यानी कि आगे की तरफ। तो जो लेयरिंग्स है उसके एंटीरियर साइड में क्या पाई जाएगी? जो हायर्ड मसल्स है, सॉरी हायर्ड बोन से जो जुड़ी हुई मसल्स है वो इसके एंटीरियर पोर्शन में रहती है। साथ ही जो नेक की जितनी भी मसल्स होती है वो इसके एंटीरियर पोर्शन में पाई जाती है। नेक्स्ट है रिलेशन अपना पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो इसके पीछे की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होती है? तो हमने फेरिंग्स में भी देखा था कि जो फेरिंग्स का थर्ड पार्ट था लेरिंगो फेरिंग्स, वो इसके पोस्टीरियर पोर्शन में उपस्थित होती है। और साथ ही थर्ड टू सिक्स यानी तीन से लेके छः तक की जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है वो इसके पोस्टीरियर पोर्शन में सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट मैंने अपना लेटरली। लेटरली का मतलब होता है बगल की साइड में, दाएं साइड और बाएं साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, हम जानते हैं कि जो अपनी नेक है उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स है, थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स है वो पाए जाते हैं लेटरल साइड में, यानी कि एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों लोब्स इसके पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लेयरिंग्स, कि लेयरिंग्स की जो स्ट्रक्चर है यानी कि उसकी संरचना है वो कैसी होती है। तो अगर मैं बात करूँ लेंथ की, लेयरिंग्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो जो लेयरिंग्स है वो सेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। यानी कि मेल में इसकी लेंथ अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। तो जो मेल में जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 44 mm। अगर मैं इसकी सेंटीमीटर में बात करूँ तो 4.4 सेंटीमीटर, यानी मेल में इसकी लेंथ क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, फीमेल की तुलना में। फीमेल में इसकी लेंथ होती है 36 mm, सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 3.6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर एडम्स एप्पल की,
कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, हम बात करते हैं स्पेशली ह्यूमन की, तो जैसे जैसे ह्यूमन अपनी प्यूबर्टी एज में जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों, जैसे जैसे मेल अपनी प्यूबर्टी स्टेज में जाता है तो उसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लाइक एग्जांपल जो सेक्सुअल हार्मोन अपना टेस्टोस्टेरोन, तो प्यूबर्टी एज में जाने के कारण है धीरे धीरे उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, तो जिसके कारण जो थायराइड कार्टिलेज है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो जो थायराइड कार्टिलेज है इसका एक क्या बन जाता है, प्रोमिनेंट बन जाता है, यानी कि थायराइड कार्टिलेज क्या हो जाता है, उभार आ जाता है कहाँ पे, नेक के एंटीरियर पोर्शन में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एडम्स एप्पल। इसका जो दूसरा नाम है वो है अपना लेरेंजियल प्रोमिनेंस भी कहते हैं। ये एडम्स एप्पल काम क्या करता है कि जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है मेल के अंदर, तो जो मेल की जो वॉइस है, क्योंकि हमने बताया था कि जो लेरिंग्स है इसका दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, यानी कि साउंड प्रोड्यूस का भी काम करता है, तो जो एडम्स एप्पल है ये क्या करता है, जो मेल है इसकी वॉइस को क्या कर देता है, लाउड करता है, यानी कि तेज करता है, साथ में इसकी वॉइस की जो पिच है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है, यानी आवाज़ में भारीपन लाने का काम कौन करता है, अपना एडम्स एप्पल। ये किसकी वजह से होता है, अपने हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो लेरिंग्स की जो वॉल है, जो लेरिंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने देखा था कि क्या है, एक होलो मस्कुलर कार्टिलेज का बना होता है, तो कौन कौन से कार्टिलेज और कितने टाइप के कार्टिलेज मिलके इस लेरिंग्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो जो लेरिंग्स हैं उसको फॉर्मेशन करते हैं नॉन कार्टिलेज, यानी नो कार्टिलेज मिलके क्या करते हैं, लेरिंग्स की जो वॉल है उसको बनाने का काम करते हैं। तो अगर मैं इसे क्लासिफिकेशन करके इसको देखूँ, तो जो लेरिंजियल कार्टिलेज है इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो है सिंगल कार्टिलेज यानी कि जो संख्या में एक है, और दो दूसरा है अपना पेयर्ड कार्टिलेज यानी कि जोड़े में, पेयर यानी कि जोड़े में है। तो जो सिंगल कार्टिलेज है वो तीन टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं लेरिंग्स में, फर्स्ट वन अपना थायरॉयड कार्टिलेज, और सेकेंड है अपना एपिग्लोटिस, और थर्ड है क्रिकोइड कार्टिलेज। और जो पेड कार्टिलेज है ये है पहला अपना एरिटेनोइड कार्टिलेज, सेकेंड वन कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और थर्ड वन अपना क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो सिंगल तो ये हो गए तीन, प्लस तीन ये हो गए, तो तीन पेयर में हो गए, तो तीन और तीन कितने हो गए, छः, तो तीन प्लस छः यानी कि नाइन कार्टिलेज मिलके क्या करते हैं, अपने लेयरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये कार्टिलेज है इनकी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर, और इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो लेरिंग्स है वो नाइन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, तो उसका जो सिंगल्स जो कार्टिलेज है उसमें फर्स्ट वन कार्टिलेज अपना थायराइड कार्टिलेज है, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि जो थायराइड कार्टिलेज है इसकी शेप कैसी होती है। तो जो अपनी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वी लेटर है, वी लेटर की इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थायराइड कार्टिलेज है इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनती है, इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो जो येलो पार्ट है, जो येलो कलर का पीले रंग का जो आपको पोर्शन दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको हम बोलते हैं लेमिनाई। लेमिनाई क्या है, ये एक हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई क्या होती है, एक झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनाई बोलते हैं। तो जो लेमिना है ये दो है, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये लेरिंग्स का एंटीरियर पोर्शन है, तो जो अपना थायराइड कार्टिलेज है वो लेरिंग्स के एंटीरियर पोर्शन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ना बहुत अधिक मात्रा में एंटीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करता है। किसके अनुसार करता है, किसके साथ करता है, अपने लेमिनाई के थ्रू करता है। तो राइट एंड लेफ्ट लेमिनाई इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दोनों की दोनों लेमिनाई है, एक तो राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, तो दोनों की दोनों लेमिनाई के बीच में क्या दिख रही होगी आपको, एक वी शेप की एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक झुकाव दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं नोच। उस नोच का नाम अपना थायराइड नोच के नाम से वो जानी जाती है। दोनों लेमिनाई के बीच का जो स्पेस है वी शेप का, उसको हम बोलते हैं थायराइड नोच। तो जो सेक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। फर्स्ट वन अपने बात करते हैं मेल की, तो जो दोनों की दोनों लेमिनाई है उसके बीच का जो एंगल होता है वो मेल में होता है 90 डिग्री, और जो फीमेल होती है उसमें लेमिनाई के बीच का जो एंगल है वो अपना 120 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर साइड में, यानी कि जो अपना थायराइड कार्टिलेज है एंटीरियर रूप से तो क्या है, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन हो रखा है, लेकिन अगर हम इसके पीछ पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट नहीं है, यानी कम्प्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो रखा है, ये आधा ही है। तो पोस्टीरियर साइड में ये इनकम्प्लीट होता है, और पोस्टीरियर साइड में इसमें दो और प्रोजेक्शन, या हम बोल सकते हैं दो और स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो
तो जैसा कि आपको अब जो डायग्राम दिखेगा ये इसका होता है पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ का, ठीक है। तो इसमें दो प्रोजेक्शन दिख रहा होगा आपको, एक तो ऊपर की साइड में और एक नीचे साइड में, येलो कलर में दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो जो ऊपर की साइड में जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉर्नुआ, और जो नीचे की साइड है यानी इन्फीरियर साइड में जो आपको प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं वो है अपना इन्फीरियर कॉर्नुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइनिंग की, यानी जो थायरॉयड कार्टिलेज है, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज अपना किसका, लेरिंग्स का। तो इसकी लाइनिंग की बात करते हैं कि इसको कौन सा टिश्यू लाइन करके रखता है यानी कवर करके रखता है। तो हम इसको दो पार्ट में देखेंगे, जो थायरॉयड कार्टिलेज का, एक तो अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो थायरॉयड कार्टिलेज का जो अपर पार्ट है वो कौन से टिश्यू से लाइन रहता है, तो वो है अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम टिश्यू। वही बात है, कौन सा टिश्यू है इसमें, एपिथीलियम टिश्यू है। लेकिन जो एपिथीलियम टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन सी होती है, फ्लेट सेल्स होती है, जिसको हम बोल देते हैं स्क्वाइमस एपिथीलियम टिश्यू। लेकिन जो लेयरिंग्स का जो थायरॉयड कार्टिलेज है उसकी जो इन्फीरियर बॉर्डर है उसको लाइन करके कौन करके रखता है, अपना सीलिएटेड कोलुमुनार एपिथीलियम टिश्यू। कोलुमुनार का मतलब कोलम के रूप में है, लेकिन उसके साथ क्या पाए जाएंगे, सीलियाज पाए जाएंगे। तो इसकी जो टिश्यू का नाम हो गया सीलिएटेड कोलुमुनार एपिथीलियम टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम अपना जो दूसरा कार्टिलेज है एपिग्लोटिस। अगर मैं शेप की बात करूँ तो जो अपना एपिग्लोटिस है वो होता है अपना लिप शेप्ड। लिप शेप्ड का मतलब होता है पत्ती की जैसे आकार का होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो एपिग्लोटिस है ये कौन से कार्टिलेज का बना होता है, तो ये अपना होता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो थोड़ा क्या होता है इलास्टिक, जैसे लाइक एज रबर, रबर की जैसे थोड़ा क्या होता है इलास्टिक होता है, ठीक है। और अगर इसके हम लाइनिंग की बात करें, जो ये कार्टिलेज है कौन से टिश्यू की इसके ऊपर लाइनिंग रहती है, तो वो अपना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम टिश्यू की इसके ऊपर लाइनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो जो ये लिप शेप्ड में ये जो कार्टिलेज है तो इसको हमने दो पोर्शन में रख दिया, एक तो इसका सुपीरियर पोर्शन और एक नीचे वाला इन्फीरियर पोर्शन। तो जो इसका जो सुपीरियर पोर्शन होता है वो कहलाता है अपना लिफ, और जो इन्फीरियर पोर्शन है वो कहलाता है अपना स्टेम। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो जो डायग्राम दिख रहा है ये लेरिंग्स का पोस्टीरियर पोर्शन है। तो इसमें दो पोर्शन दिख रहा होगा आपको, एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर, ठीक है। तो जो सुपीरियर जो पोर्शन होता है वो अपना होता है फ्रीली मूवेबल होता है, यानी वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जो इसका जो स्टेम है यानी जो नीचे वाला पोर्शन है, इन्फीरियर पोर्शन है, ये क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, नैरो मीन सकरा होता है, और इन्फीरियर साइड में एक थायरॉयड कार्टिलेज के द्वारा क्या रहता है, अटैच रहता है। हमने जो थायरॉयड कार्टिलेज में जो थायरॉयड नोच पड़ी थी उस नोच के अंदर ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो जो ये एपिग्लोटिस है ऊपर की साइड में फ्री मूवेबल होता है, तो जब हम स्वेल करते हैं कुछ भी चीज़ को निगलते हैं तब ये एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे जो रीमा ग्लोटिस है उसको कवर करने का काम करता है। रीमा ग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। तो जो लेरिंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन लेरिंग्स में दो फोल्ड बनाती है, एक सुपीरियर फोल्ड और एक इन्फीरियर फोल्ड। जो सुपीरियर फोल्ड होता है उसको तो हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जो इन्फीरियर फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है और ट्रू वोकल कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है रीमा ग्लोटिस। तो उसी स्पेस को कवर करने का काम कौन करता है, अपना एपिग्लोटिस करता है। और जो ये जो रीमा ग्लोटिस है ये मेल में इसका जो डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। इसको हम डीपली और पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे, इसको फंक्शन में जो लेरिंग्स का जो फंक्शन है उसमें हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज की। क्रिकोइड कार्टिलेज जो लेरिंग्स का सबसे इन्फीरियर कार्टिलेज है यानी नीचे की तरफ पाया जाता है। तो इसकी अगर मैं शेप की बात करूँ तो कौन सी शेप में होता है, ये रिंग शेप में पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ये भी कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड में, यानी कि जो लेरिंग्स है उसके एंटीरियर साइड में जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन बनाने का काम कर रहा था वो तो अपना थायरॉयड कार्टिलेज, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन बनाता है वो कौन सा, अपना क्रिकोइड कार्टिलेज है। रिंग शेप में होता है। अगर हम बात करें कौन से कार्टिलेज का बना होता है, तो ये बना होता है अपने हायलिन कार्टिलेज का। वही अगर कवरिंग की बात करें तो सीलिएटेड कोलुमनार एपिथीलियम टिश्यू की इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कवरिंग। ये सब चीज़ें सब में सेम है, स्टेप बाय स्टेप चलनी है कि कौन सा कार्टिलेज है, कौन सी कवरिंग है और इसकी शेप क्या है, ये सब कार्टिलेज में अपना फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात बात करते हैं कि ये क्या है, अपना लेरिंग्स का इन्फीरियर पोर्शन है। इन्फीरियर पोर्शन होगा तो ये नीचे क्या है, अपने लेरिंग्स के नीचे क्या होती है, ट्रेकिया। तो ये किसके साथ अटैच होगा, अपने ट्रेकिया के साथ अटैच होगा। तो जो ट्रेकिया की जो
फर्स्ट जो कार्टिलेज है यानी जो सी शेप के कार्टिलेज पाए जाते हैं ट्रेकिया में, उसके साथ जो फर्स्ट कार्टिलेज है उसके साथ ये जुड़ता है। तो जब ये ट्रेकिया के साथ जुड़ता है तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि लिगामेंट्स के द्वारा क्या होता है ये जुड़ता है। तो जनरली जाहिर तौर पे हम इसका जो नामकरण करेंगे वो दोनों स्ट्रक्चर के आधार पे करेंगे। तो क्रिकोइड से तो हमने ले लिया क्रिको, और ट्रेकिया से ले लिया ट्रेकियल। तो जो क्रिकोइड को ट्रेकिया से जोड़ने का जो काम करता है, जो लिगामेंट है, उसका नाम है क्रिको ट्रेकियल लिगामेंट। क्लियर। जनरल रूप से दूसरा भी ऐसा ही है कि जो क्रिकोइड है ये इन्फीरियर साइड में तो जुड़ गया किसके साथ, ट्रेकिया के साथ, लेकिन सुपीरियर पोर्शन में किसके साथ जुड़ेगा, ये थायरॉयड कार्टिलेज के साथ। तो वही वापस से हमें इसका नामकरण करना, तो वही क्रिकोइड से तो ले लिया क्रिको और थायरॉयड से थायरॉयड। तो जोड़ देगा कौन, वही लिगामेंट। तो कौन से लिगामेंट जोड़ेगा, अपना क्रिको थायरॉयड लिगामेंट इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज की एक और विशेषता है कि जब हम सर्जरी करते हैं किसकी, ट्रेकिया की, जो ट्रेकिया की सर्जरी है उसको हम बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। ठीक है, जब ट्रेकिया की हम सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना कि जो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो किस जगह पे हम कट लगाते हैं। तो जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो इसका लैंडमार्क करता है, यानी ये बताता है क्रिकोइड कार्टिलेज के इन्फीरियर बॉर्डर पे क्या लगता है, कट लगता है। तो वो आपको क्या बतानी है, पोजीशन को बताना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो लेयरिंग्स है उसका इंट्रोडक्शन, साथ में उसके रिलेशंस और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि दो कार्टिलेज थे, सिंगल कार्टिलेज और पेयर्ड कार्टिलेज। तो हमने इस वीडियो में ओनली स्टडी की है सिंगल कार्टिलेज की। तो जो अब नया जो इसका पार्ट आएगा लेयरिंग्स का, पार्ट नंबर 2, उसमें हम जानेंगे जो पेयर्ड कार्टिलेज, साथ में इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फ सप्लाई, और साथ में ही जो फिजियोलॉजी है वोकल कॉर्ड की, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी हम उस पार्ट के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि जो ट्रेकियोस्टोमी करते समय जो लोकेशन होती है वो किस जगह से हम कट लगाते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।